हमारे लिए तमाम सियासतदान चाहे हुकूमत से हों या अपोजिशन से सब बराबर हैं। इस बेख्तलाफ को कम अज़ कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि हमें मंशा बम से तशबीह दी जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का खिताब। मजीद अपडेट्स लेंगे मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा, जावेद इकबाल का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को 2.25 अरब रुपए जो कि नैब लाहौर ने जो है वो वापस लेके वापस तकसीम करने के लिए जो है तकरीब रखी थी, वो तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए जावेद इकबाल का ये कहना था कि बहुत सादे लोग हैं जिन्होंने कहा वजीर आजम की तोहीन कर दी। अगर कायदे के खिलाफ नैब की प्रोसीडिंग को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेकाक वजीर आजम को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना ना करे। वजीर आजम की बहुत इज्जत अफजाई हुई है, उनके कद में इजाफा हुआ है। जावेद इकबाल का यह भी कहना था कि लाहौर की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो तमाम बाकी जगहों से बाकी डिवीजन से बहुत जबरदस्त है। उन्होंने चेयरमैन नैब ने जो थे डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम और तमाम टीम की जो है उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए ये भी कहा हम केस को केस के तौर पे देखते हैं, फेस के तौर पर कभी नहीं देखते। जावेद इकबाल का ये भी कहना था कि मुल्क की नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ये तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस साकिब निसार को और दीगर जो अदारे हैं जस्टिस साहिबान हैं उनको क्रेडिट जाता है। उनका ये कहना था कि हमारे लिए तमाम सियासतदान चाहे हुकूमत से हो या अपोजिशन से सब बराबर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस इक्तदार को इस खिलाफ पर किसी किस्म की कोई तरजीह दी हो। हमारे लिए तमाम सियासतदान जो है वो काबिल एहतराम है। इस खिलाफ को कम अज कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि हमें मंशा बम से तशबीह दी जाए, ना कभी नैब मंशा बम था और ना ही मंशा बम होगा। लेकिन उन्होंने वाजे किया कि हिजब इख्तिलाफ को इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा बाजोक होने की निशानी होनी चाहिए। नैब का एहतसाब को इसी वक्त शुरू हो जाता है जब रिमांड लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि हाँ ये कह सकते हैं कि जो नैब है ये हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जरूर है और नैब जो है वो जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। कभी ऐसी बात नहीं हुई और ना ही होगी कि किसी से जाती इंतकाम का तसव्वुर हो। हमारा किसी ग्रुप या किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नैब समेत तमाम जो मुतलका नैब से जो जिससे मुंसलिक है वो अदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने NRO के हवाले से बहुत सारे मामला चाह रहे थे, इस पर भी उन्होंने वाजा किया कि NRO किसी भी शक्ल में हो नैब इसका हिस्सा किसी सूरत नहीं था ना होगा और ना आइंदा में इस पर कोई दूर से कोई लिंक बनता है। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से आज तक ये दबाव नहीं आया कि किसी किस्म की कोई राय दी जाए। अगर इस इक्तदार की तरफ से दबाव आ भी जाता है तो नैब संलग्न नहीं होगी बल्कि नैब जो है वो अपने कानून और आइन के मुताबिक जो है वो इकदाम करेगी। मेगा करप्शन के मुकदमे को मुंतकिन जान तक पहुंचाना नैब की अव्वलिन तरजीह है। नैब काम काम और सिर्फ काम पर कानून के मुताबिक यकीन रखता है। उन्होंने जो मुतासरीन थे उनको बताया कि रुकूम की वापसी नैब की अव्वलिन तरजीह में शामिल थी और यही बात है कि हमने जो लुटेरे थे जो करप्ट अफराद थे अफसरान थे उनसे लूटी हुई रकम जो है वापस लेकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा।